देखिए अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ अब यूपी में बड़ी सियासी ताकत बन चुके हैं। चुनाव में उन्होंने यूपी की सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी अब यूपी के बुलडोजर मॉडल पर रोक लगाने की डिमांड कर रही है। अखिलेश की पार्टी का दावा है कि वो वोट मिले हैं वो बुलडोजर मॉडल के खिलाफ डाले गए हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अब यूपी में बुलडोजर मॉडल का क्या होगा। जिस बुलडोजर से यूपी के माफिया अपराधी सब डरते हैं, उस बुलडोजर मॉडल का क्या हो, ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुलडोजर पर रोक लगाने की डिमांड हो रही है। बुलडोजर बुलडोजर क्या है, विध्वंस करने की नीति है। तो बुलडोजर के खिलाफ और बुलडोजर वाली मानसिकता के खिलाफ जनादेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत एक चिंताजनक विषय रहा करती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था को जिस तरह से संभालने का काम किया है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक सुकून की सांस ली है। लोकसभा के चुनाव के परिणामों से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 24 के नतीजों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और इसे यूपी में बुलडोजर एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पिछले महीने ही बुलडोजर पर बयान दे चुके हैं। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टेयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? अखिलेश का बयान बाबा के बुलडोजर को अल्टीमेटम था। अब 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी बुलडोजर मॉडल को हटाना चाहती है। माना जा रहा है कि यूपी में सरकार के कामकाज करने के तरीके बदल सकते हैं, यानी अपराधियों के खिलाफ यूपी का बुलडोजर मॉडल और माफिया खत्म करने वाला एनकाउंटर मॉडल, दोनों में बदलाव संभव है। बुलडोजर और एनकाउंटर की वजह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, ऐसा वहां के एक्सपर्ट भी मानते हैं। लेकिन चुनाव में खराब प्रदर्शन और 2 साल के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार के काम करने के तरीकों में बदलाव आ सकता है। यहां पे सीटें कम हुई हैं तो नो डाउट प्रश्नचिन्ह उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उठते हैं और यहाँ का जो मॉडल है उसके ऊपर उठते हैं। तो उस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ किया जाए। कहीं ना कहीं सरकार को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना होगा। विपक्षी पार्टियाँ बुलडोजर को लेकर सवाल पूछ रही हैं। इसकी वजह ये भी है, साल 2017 से 2024 तक यूपी में माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों की 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो सीज की गई है या उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। 2017 के दौरान यूपी में योगी सरकार के बनते ही माफिया संपत्ति पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। अब तक 24 से ज्यादा माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल चुका है। योगी सरकार के मुताबिक 2021 तक 67,000 एकड़ जमीन को बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण मुक्त किया गया। अब तक यूपी के 14,000 से ज्यादा गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया गया है और उनकी 21,000 करोड़ की संपत्ति सीज करके तबाह कर दी गई है। यूपी में बुलडोजर का डर बड़े बड़े माफिया और अपराधियों पर भी भारी है। योगी समर्थकों को बाबा का बुलडोजर मॉडल पसंद है, पर अब विपक्ष बुलडोजर के एक्शन में बदलाव की डिमांड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।